हेलो स्टूडेंट्स जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने कुछ इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्टेड देख लिए थे लास्ट क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट तो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने देख लिया था उसके अंदर हमने बता दिया था कि जो किसी भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के अंदर हम करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है ठीक है उसकी वजह से क्या होता है कि जो कंपास निडिल होता है उसमें क्या होता है कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन आता है तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर जो है वो हमेशा क्या करता है इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और उसकी वजह से क्या होता है वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स जनरेट करता है तो उसके लिए जो सबसे इसका यूज़ है वो कहाँ है इलेक्ट्रो के अंदर कि जब हम सॉफ्ट आयरन स्टील के ऊपर जब कंडक्टर uh, वायर को बाउंडेड करते हैं और उसके अंदर जब हम करंट लो करवाते तो वो क्या हो जाता है इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड और जैसे हम करंट फ्लो करवाना बंद कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है डी इसका यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर करते हैं लाइक क्रेन्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है जो हमारे पास गारबेज होगा उसमें से हमें आयरन पीसेस को जो है सेपरेट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं ये सब पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो है उसके बाद हमने पढ़ा था उसके अंदर नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या क्या डेंजर्स होते हैं तो इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इफ द करंट पासेस थ्रू अ हार्ट कि जैसे कैसे अगर हमारे हार्ट के अंदर से करंट पास हो सकती है कि जैसे हमने किसी भी लाइव वायर को या किसी भी अप्लायंस को डायरेक्ट हैंडल करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कुछ करंट जो होता है वो हमारी क्या होता है बॉडी के अंदर पास होता है तो इसकी वजह से अगर जो है करंट अगर हमारे हर्ट से पास होता है तो इसकी वजह से क्या होता है इट कोजेज द हर्ट मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरली डेथ अकर उसकी वजह से क्या हो सकता है डेथ विल बी अकर कि किसी भी अगर हम सीधे अगर किसी भी अप्लायंस को हम सीधे हाथ अड़ाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है जो करंट है क्योंकि हमारे बॉडी का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के पार्ट में क्या होगा कुछ करंट फ्लो होगी उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो हर्ट uh, के जो मसल्स हैं वो क्या होंगे कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उसकी वजह से हो सकता है कि हम हमारी क्या हो जाए डेथ भी हो जाए नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट है A strong electric shock, a strong electric shock can give the body a big shock that can damage. That can damage the body cells. Such a shock occur on touching a live wire live wire suddenly. कि जैसे इसके अंदर क्या है कि जैसे हमने किसी भी लाइव वायर को क्या किया सडनली टच कर लिया तो हमने जैसे बहुत सी बार देखा भी होगा जैसे हम किसी भी लाइव वायर पर जब भी हमारा हाथ लगता है तो सीधे एकदम से हमें शॉक लगता है ठीक है तो लाइव वायर को जब हम तो इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है अगर ये इलेक्ट्रिक शॉक जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो इसकी वजह से क्या होगा जो हमारे बिग शॉक मतलब लास्ट शॉक लगता है तो उसकी वजह से हमारे क्या हो सकते हैं बॉडी सेल से वो क्या हो सकते हैं डैमेज हो सकते हैं मतलब इस तरह से कि हमारा जो घर पे जो करंट आता है वो कैसा आता है एसी करंट एसी करंट का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे घर पे फ्रीक्वेंसी होती है करंट के आने की वो होती है फिफ्टी हर्ट्स फिफ्टी हर्ट्स का मतलब है कि अगर हम किसी भी लाइव वायर को पकड़ते हैं तो एक सेकेंड के बाद जो उसके अंदर ए करंट होता है उसमें इस तरह से होता है ये करंट है और ये टाइम है तो मतलब इसकी जो वेव्स होती हैं वो कुछ इस तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट की वेव्स जो हैं वो कैसे होती है साइनस बोलते हैं तो इसमें ये है एक साइकिल के अंदर जो है करंट कितने टाइम जीरो हो गई टू टाइम्स तो ऐसी कितनी साइकिल फिफ्टी एट सिक्वेंसी का मतलब ये एक सेकंड के अंदर कितनी साइकिल्स कंप्लीट करेगा ये करंट फिफ्टी साइकिल्स और एक साइकिल के अंदर करंट की वैल्यू कितनी बार कितने टाइम जीरो हो रही है टू टाइम्स तो इसका मतलब क्या है कि अगर फ्रिक्वेंसी तो हंड्रेड टाइम्स जो है वो करंट की वैल्यू क्या होगी जीरो तो अगर हम किसी भी लाइव वायर को डायरेक्ट टच करते हैं तो जैसे हमने देखा होगा बहुत सी बार हमने लाइव वायर को टच किया तो बहुत सी बार जो है लाइट हमें जो है इलेक्ट्रिक शॉक के साथ हम जो है हाथ को अपने पीछे खींच लेते हैं उस टाइम पे क्या होता वो है वो एक ऐसा इंस्टेंट होता है जिस टाइम पे करंट की वैल्यू क्या होती है जीरो और उस टाइम पे हम अपना हाथ को हटा लेते हैं और अगर हम उस इंस्टेंट पर अगर अपने हाथ को नहीं हटा पाए तो क्या होगा हम इलेक्ट्रिक शॉक लगता रहेगा और उसकी वजह से क्या होगा हमारे ब्लड सेल्स जो है वो क्या हो जाएंगे डैमेज हो जाएंगे तो जो करंट है वो क्या करती है हमें एक सेकेंड के अंदर हंड्रेड टाइम्स उसकी वैल्यू क्या होती है जीरो होती है मतलब बहुत फास्ट फ्रिक्वेंसी होती है इसकी तो इस वजह से जो है वो चांसेस बहुत कम होते हैं अब अगर हम जो है डीसी करंट होती है डी का मतलब डायरेक्ट करंट उसमें जो है करंट की वैल्यू क्या रहती है कांस्टेंट रहती है जैसे जो भी हमारी बैटरी है सेल से तो उनसे हमें जो करंट मिलती है वो कैसी होती है डीसी करंट तो डीसी करंट में क्या होता है कि हमारी जो करंट एक बार अगर हमने लाइव वायर को टच कर लिया तो उसमें फिर दोबारा हमें चांस नहीं मिलता उससे शॉक को अपने हाथ को हटाने का क्योंकि इसमें क्या होती है करंट जो होती है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होती है तो ये जो है इसमें हमें चांस मिलता है लेकिन ये जो है इसकी वजह से क्या होता है एसी करंट जो होती है इसकी वजह से अगर हम जो है करंट अगर लाइव वायर को सीधे हाथ लगाएंगे तो उसकी वजह से हमारे जो ब्लड सेल्स से है वो क्या हो जाएंगे डैमेज हो जाएंगे थर्ड पॉइंट इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस इन वेट प्लेसेस वेरी डेंजरस क्यों क्योंकि हमने देखा था कि जो इम्प्योर या टेप वाटर जो होता है वो क्या होता है गुड कंडक्टर होता है एज कंपेयर टू प्योर वाटर तो वेट जो प्लेसेस होंगे मतलब जहां पर क्या होगी नमी होगी या जहां पर क्या होगा मॉइस्चर होगा वहां पर अगर हम किसी भी हैंडलिंग कर रहे हैं किसी भी अप्लाइंस को तो वो क्या होता है डेंजरस होता है जैसे बारिश के मौसम में जो है हम डायरेक्ट अगर किसी भी अप्लायंस को सीधे यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है मॉइस्चर होता है एयर के अंदर या वेट के बारिश के मौसम में क्या होता है कि करंट जो होता है कि उसकी वजह से क्या हो सकता है हमारे हाथ गीले होंगे तो हमें जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगने के क्या होते हैं चांसेस ज्यादा होते हैं तो वेट प्लेसेस में जो है हमें हैंडलिंग जो है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज उनको हैंडल नहीं करना चाहिए थर्ड है फोर्थ है इलेक्ट्रिसिटी कोड टर्न डेंजरस Due to loose connections in switches, improper wiring, overloading, and improper earthing. तो यहाँ पर क्या है पहला तो लूज कनेक्शंस जो स्विचेज जो हम बनाते हैं वो क्या होने चाहिए प्रॉपर इंसुलेटर के होने चाहिए मतलब उनमें जो है लूज कनेक्शंस नहीं होने चाहिए लूज कनेक्शन अगर होंगे तो उसकी वजह से क्या होती है स्पार्किंग जनरेट होती है इम प्रॉपर वायरिंग मतलब इम प्रॉपर वायरिंग मतलब इस तरह से है कि अगर हम सीधे वायर्स जैसे दो वायर्स हैं ठीक है ये यहाँ से ब्रेक हो गया तो अगर हम इनको सीधे ऐसे कनेक्टेड करते हैं तो बहुत सी बार हमने देखा होगा अगर हम वायर्स को सीधे कनेक्टेड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होता है इलेक्ट्रिक स्पार्क किस वजह से जनरेट होता है कि एक्चुअली क्या होता है कि वायर के दोनों के बीच में क्या होता है जब हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ एयर उनके बीच में होती है बहुत कम जगह होती तो इन दोनों में क्या होता है कि यहाँ पर और यहाँ पर वोल्टेज क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से जो वैसे तो एयर जो होती है वो क्या होती है इंसुलेटर होती है लेकिन यहाँ पर चार्जिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि चार्ज बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये जो बीच की एयर है वो किसके क्या होता है कि वो जो है कंडक्टिंग पाथ की तरह वर्क करने लगती है और चार्ज जो है वो यहां से यहां एक वायर से दूसरे वायर में फ्लो हो जाता है लेकिन वो कि इस तरह से बोल सकते हैं कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है या उनके बीच में जो चार्ज है, है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए जैसे लाइटनिंग के अंदर हम यही प्रोसेस यूज करते हैं कि है? क्लाउड्स है। में क्या होता है आपस में कॉलिजन के थ्रू ठीक है कॉलिजन के थ्रू क्या होता है क्लाउड्स जो होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं अब चार्ज होने की वजह से क्या होता है उनके दो क्लाउड्स के बीच में क्या होता है बीच में एयर है तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक जगह एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड्स में चार्ज

क्लाउड से हमारे अर्थ पर तो इसी तरह यहाँ पर स्विचेस के अंदर ये इम्प्रॉपर वायरिंग जो है इससे भी इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होता है और वो जो होता है वो क्या होता है हमारे लिए डेंजरस होता है नेक्स्ट है ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग का मतलब इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जैसे अगर बहुत बड़ा रूम है होल है तो हमने देखा होगा कि उसके अंदर हम जो है एक से ज़्यादा स्विच बोर्ड्स बनाते हैं कि उसकी जरूरत क्या है कि जैसे हो सकते हैं कि एक स्विच बोर्ड की जो जितनी अपलायंसेज इसके जितनी भी अप्लायंसे हम इससे यूज कर सकते हैं उसकी एक सफिशेंट क्या होती है लिमिट होती है मतलब उसकी एक करंट केरिंग करंट केरिंग कैपेसिटी होती है अगर हम उससे ज़्यादा उसके अंदर अपलाइंसेज यूज कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगी ओवरलोडिंग हो जाएगी और सारी की सारी अप्लाइंसेज जो है वो क्या हो जाएंगी चलेंगी नहीं प्रॉपर तरीके से जो भी उनकी जो रेटिंग होगी पावर रेटिंग उसके अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं करेंगे जैसे हमने देखा भी होगा कि हमारे घर पर जब हम ए कनेक्टेड करते हैं तो सीधे हमारा जो स्विच होता है जहाँ पर एक इस तरह से स्विच बोर्ड के अंदर अलग अलग स्विचेस लगे होते हैं ठीक है तो यहां पर हम चाहें तो स्विच ए uh, में ये थ्री पिन होता है इसमें सीधे हम कनेक्टेड करके ए को यहां यूज कर सकते हैं लेकिन इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी की ए को करंट जो होती है जो नेसेसरी करंट होती है हो, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है अगर हम सीधे यहां पर यूज करेंगे तो और भी अप्लाइंसेज को हमें करंट प्रोवाइड करवानी है तो इसको जो है सफिशेंट अमाउंट की करंट प्रोवाइड नहीं हो पाएगी मतलब उसको सफिशियंट इस वजह से वो क्या होगा ए जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा और उसकी जो है वो जो स्विच बोर्ड है उसकी क्या हो जाएगी ओवरलोडिंग और उसकी वजह से हो सकता है कि सारे है हमारी क्या हो जाए खराब हो जाए इसलिए हम एसी के लिए जो है अलग तरह का पावर बोर्ड बनाते हैं क्योंकि एसी के जो है करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है ज्यादा होती है इमप्रॉपर अर्थिंग की अर्थिंग के लिए जो हमने वायर यूज किया है वो प्रॉपर होना चाहिए अगर उसका आ, रजिस्टेंस हमने ज्यादा ले लिया तो क्या होगा उसमें से आ, जो करंट है वो ज्यादा फ्लो नहीं होगी और इसकी वजह से जो एक्सेसिव करंट होगी वो ग्राउंड के अंदर नहीं जा पाएगी तो इसके लिए जो है प्रॉपर अर्थिंग होना जरूरी है वरना क्या होगा कि हमारी जो जो भी बिल्डिंग है उसके उसके अंदर जो है क्या लगने लग जाएंगे इलेक्ट्रिक शोक अगर प्रॉपर तरीके की अर्थिंग नहीं होगी ठीक है तो ये हमने पढ़ लिए थे डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे सेफ्टी मेजर्स सेफ्टी मेजर्स इन यूजिंग इलेक्ट्री ठीक है तो सेफ्टी मेजर्स इन इन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला इसके अंदर है जो हम वायर्स यूज करते हैं वो क्या होने चाहिए अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए और उसके अंदर जो इंसुलेशन यूज करते हैं इंसुलेशन का मतलब है कि जो लाइव वायर होता है उसके ऊपर हम एक इंसुलेटर की क्या रखते हैं प्लास्टिक लेयर रखते हैं तो वो जो लेयर है वो क्या होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए क्यों क्योंकि जब हम वायर के अंदर करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा उसकी वजह से उसमें हीटिंग इफेक्ट होगा हीटिंग इफेक्ट मतलब कि जब हम उसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे तो वायर बिकम्स होट इसे हम क्या बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो अगर हम इंसुलेटर सही से नहीं रखेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो बाहर जो हमने इंसुलेटर रखा है वो क्या हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगी उसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने के क्या होंगे चांसेस होंगे तो इसके लिए क्या होना चाहिए जो हम वायर्स यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए मतलब उनका जो आ, रजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए लो होना चाहिए मतलब गुड कंडक्टर होने चाहिए और दूसरा उनका इंसुलेशन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है डिफेक्टिव एंड डैमेज प्लग्स सॉकेट्स एंड स्विचेज मस्ट बी इमीडिएटली रिप्लेसेस कि हमारे घर पर जितने भी डेमेज या इफेक्टिव सॉकेट्स प्लग्स और स्विचेज हों उन्हें हमें इमिडिएटली क्या कर देना चाहिए रिमूव कर देना चाहिए तो जितनी भी हमारे घर पर डिफेक्टिव डेमेजेस जो भी सॉकेट्स या जो भी हमारे स्विचेस हैं ये प्लग्स हैं उन्हें हमें इमिडिएटली क्या कर देना चाहिए रिमूव कर देना चाहिए ऑल कनेक्शंस इन प्लग सॉकेट्स एंड स्विचेस मस्ट बी मेड ऑफ प्रॉपर इंसुलेटिंग मटेरियल कि इन सबको जो है हमें किसका कौन सा मेटेरियल का बनाना चाहिए इंसुलेटिंग मेटेरियल का क्योंकि हम डायरेक्ट अगर इनको टच भी करें तो उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे इसलिए जो भी प्लग सॉकेट्स और स्विचेस जो हैं वो हमें क्या बनाने चाहिए प्रॉपर इंसुलेटर मेटेरियल के बनाने चाहिए ठीक है फोर्थ पॉइंट है जितनी भी हमारे एक्सटेंशन कोड्स हैं उनमें हमें ध्यान रखना है कि उसमें क्या हो मस्ट नॉट बी ओवर लोडेड कि वो जो है ओवरलोडेड ना हो और इसे जो है हम क्या करें मस्ट बी रेगुलरली टेस्टेड कि जैसे मैंने बताया था कि हमारे घर पे कोई भी स्विचेज है तो सीधे हम उससे एसी को कनेक्टेड क्यों नहीं करते क्योंकि उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो अगर हम उससे यूज करेंगे तो वो वहां पर वो क्या हो जाएगा ओवरलोड हो जाएगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा जो है वो अप्लाइंसेस खराब होने के चांसेस होंगे फिफ्थ है कि इनको स्विचेस और प्लग्स को जो है शुड नॉट बी शुड नॉट बी ट विद वेट हैंड्स किनको जो है हमें गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए उसकी अगर हम डायरेक्ट टच करेंगे तो उससे हो सकता है कि हमें इलेक्ट्रिक शोक लगने के चांसेस हो क्योंकि जो वॉटर है वो क्या है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द मेन स्विच should be immediately switched off in case of fire and short circuit. कि अगर हमारे घर पे कभी भी शॉर्ट सर्किट ये आग लग जाए तो हमें सीधे से फटाफट क्या कर देना चाहिए मेन स्विच को जो है क्या कर देना चाहिए ऑफ कर देना चाहिए सेवेंथ है ऑल अप्लायंसेस मस्ट बी प्रोपरली अर्थेड की सारी जितनी भी अप्लायसेज है उनमें क्या होना चाहिए प्रोपर अर्थिंग होनी चाहिए क्योंकि जब भी अगर उनमें एक्सेसिव या कुछ भी करंट लीकेज हो तो वो सीधा का सीधा कहां चला जाए ग्राउंड में चला जाए अगर उनमें प्रॉपर अर्थिंग नहीं होगी तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमारे घर पर कोई भी अप्लायंस मान लेते हैं हम सपोज करो कूलर है ठीक है अगर इसके अंदर क्या होगा कि जैसे मान लो सपोज करो कोई भी करंट जो है इसमें लीकेज होती है तो इसकी जो बाहर की बॉडी होती है वो क्या होती आ, है जनरली मेटल की या प्लास्टिक की भी होती है तो वो गीली तो होती है अगर हमने उसको डायरेक्ट टच किया तो हमें हो सकता है क्या लगे इलेक्ट्रिक शॉक अगर इसमें प्रॉपर अर्थिंग होगी तो जो भी लीकेज करंट होगा वो कहां चला जाएगा ग्राउंड के अंदर तो जितनी भी अप्लायंसेज हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए प्रॉपर क्या होनी चाहिए अर्थिंग होनी चाहिए जितनी भी अप्लायंसेज हम हमारे घर पर यूज करते हैं अगर प्रॉपर अर्थिंग नहीं होगी तो जब भी उसमें अगर करंट लीकेज होगा तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने के क्या होंगे चांसेस होंगे हम जब भी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर नेक्स्ट है हमारे पास एर्थ रबर शूज शुड बी वोन वाइल रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग प्लग सॉकेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा यह किसी भी अप्लायंस को हम कर रहे हो कि इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं अपने आपको दिस प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर किसी भी चीज को रिप्लेस कर रहे हो तो अगर हम हम जो है रबर शूज़ का यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा सर्किट क्लोज नहीं होगा और हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये हम खड़े हुए हैं ठीक है तो यहां पर हम जैसे मान लेते हैं कि कोई भी अप्लायंस है ठीक है ये अगर हमने जो है कोई भी शूज नहीं पहने हुए जैसे हम इस अप्लायंस को वर्क करेंगे तो हमारे अंदर से क्या होगा करंट फ्लो होगा और उसकी वजह से हमें क्या होगा इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस होंगे अगर हम रबर के शूज पहन लेंगे यहां पर तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी करंट जाएगी लेकिन यहां पर क्या होगा कि रबर के शूज होने की वजह से सर्किट क्या हो जाएगा ओपन और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस क्या हो जाएंगे बहुत कम तो इसलिए जब भी हम किसी भी चीज को रिप्लेस करें प्लग सॉकेट या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम यूज करें तो उस टाइम पर हमें जो है क्या होनी चाहिए रबर के शूज या स्लीपर्स को पहन के क्या करना चाहिए वर्क करना चाहिए द इनसाइड ऑफ सॉकेट डक्टिंग कि जितने भी जो सॉकेट के अंदर होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं कंडक्टिंग मेटीरियल जैसे कोई भी वायर जो होता है तो उनको क्या होना चाहिए देर फॉर मस्ट नॉट बी टको जो है हमें डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए अगर डायरेक्ट टच करेंगे तो हो सकता है कि हमें क्या लगे इलेक्ट्रिक शॉक लास्ट ऑलवेज यूज अ सेफ्टी फ्यूज ऑफ प्रॉपर रेटिंग एंड मेटेरियल इन इलेक्ट्रिक सर्किट कि हमारे घर पे जितने भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाते हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए प्रॉपर फ्यूज होना बहुत जरूरी है जो फ्यूज है वो क्या होना चाहिए बहुत प्रॉपर होना चाहिए अब हम इसको फ्यूज़ को देख लेते हैं तो फ्यूज़ जो है जनरली फ्यूज़ जो होता है हमारे घर पे ये किसकी तरह वर्क करता है एज अ इसको हम जो है वॉचमैन की तरफ भी इसको जो है फ्यूज़ को हम क्या बोल देते हैं वॉचमैन भी बोलते हैं कि ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज है उनको जब भी एक्सेसिव करंट होता है तो उनको जो है बर्न होने से या उनको डैमेज होने से ये क्या करता है प्रोटेक्ट करता है इसलिए फ्यूज़ को जो है हम क्या बोल देते हैं वॉचमैन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट की इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का ये जो फ्यूज है ये किसकी तरह वर्क करता है एज अ वॉशमैन ठीक है अगर हम फ्यूज की बात करें तो फ्यूज जो है ये जो होता है इट इज एन मेडअप ऑफ एलोय ऑफ लेड प्लस टिन ये लैड और टिन का क्या होता है एलोय होता है जिसमें थर्टी सेवन परसेंट तो क्या होता है लेड और सिक्सटी सेवन परसेंट क्या होता है टिन और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर जो है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी क्या होती है लो रजिस्टिविटी लो होने का मतलब इसकी जो वो क्या होती है हाई क्योंकि रजिस्टिविटी इज द रेसी प्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी ये जो होता है ये इसका कुछ अगर हम शेप की बात करें तो ये कुछ इस तरह से होता है इसमें यहां पर ये जो है ये क्या है वायर है कौन सा फ्यूज वायर क्या है ये फ्यूज अब जैसे इधर से एक्सेसिव करंट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा जैसे एक्सेसिव करंट जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से यह क्या होगा वायर जो है ये क्या होगा फ्यूज वायर हॉट होगा और उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा बर्न हो, हो, हो जाएगा, जाएगा. इसीलिए हम इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या रखते हैं लो और रजिस्टिविटी भी लो इसलिए रखते हैं कि अगर हम इसकी रजिस्टिविटी हाई रखेंगे तो मैक्सिमम जो वोल्टेज का एनर्जी का लॉस होगा वो कहाँ हो जाएगा यहीं हो जाएगा और फ्यूज वायर को जो है वो हमेशा कैसे कनेक्टेड करते हैं हम सीरीज के अंदर ठीक है कि जैसे अगर जैसे ही एक्सेसिव करंट आएगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से बर्न हो जाएगा और सर्किट क्या हो जाएगा ओपन और ये सारी अप्लाइंसिस को क्या हो जाएगा खराब होने से क्या कर देगा ये बचा देगा ठीक है तो इस तरह से हम फ्यूज वायर जो है ये जनरली लेड और टिन का होता है तो ये जो फ्यूज वायर होता है ये क्या होना चाहिए प्रॉपर रेटिंग और क्या होना चाहिए अच्छे मेटीरियल का मतलब प्रॉपर मेटीरियल मतलब लेड और टिन का होना चाहिए इसकी मतलब लोड और की क्या होती है मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए और रजिस्टिविटी भी लो होना चाहिए प्रॉपर रेटिंग का मतलब क्या है कि इससे ज्यादा करंट अगर हम किसी सर्किट के अंदर फ्लो करवाएंगे हर जो अपलायंसेज होते हैं उनकी मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी एक लिमिटेड अमाउंट की होती है अगर हम उससे ज्यादा करंट उसके अंदर फ्लो करवा देंगे तो वो जो अप्लायंस है वो क्या हो जाएगी डैमेज हो जाएगी तो इसलिए हम यहाँ पर इसकी रेटिंग इस तरह से रखते हैं कि अगर उससे ज्यादा हम करंट इस फ्यूज़ वायर के अंदर यूज करते हैं आजकल हम जो है फ्यूज़ वायर की जगह क्या यूज़ करते हैं एम क्या यूज कर रहे हैं हम एम सी बी इसे की फुल फॉर्म जो होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या होता है कि जैसे इसमें एक्सेसिव करंट फ्लो होती है तो वो स्विच जो है वो क्या हो जाता है ऑफ हो जाता है और करंट फ्लो होना क्या हो जाता है बंद हो जाता है तो हमने इसके अंदर जो है ये तो बहुत आसान सी चीज़ें सेफ्टी मेजर्स की हमें इलेक्ट्रिक चीज़ों के अंदर क्या क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स रखने चाहिए तो उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये बहुत आसान है है ना ठीक है तो हमने इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा उसको चार्ज कैसे कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा ठीक है उसके बाद हमने देखा कुछ इलेक्ट्रिक करंट कुछ उसके इफेक्ट्स देखे केमिकल इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ठीक है हीटिंग इफेक्ट उसके बाद हमने देखा कि डेंजर्स क्या, दे क्या, क्या क्या हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर और फोर्थ हमने जो है क्या क्या सेफ्टी मेजर्स यूज़ होने चाहिए इन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी की जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या क्या यूज़ करें तो उसकी वजह से क्या क्या हमारे सेफ्टी मेजरमेंट्स होने चाहिए ठीक है थैंक यू